बस हो गया, थोड़ा और खा ले। ब्रेकफास्ट तुमने बनाया, लंच मैं बनाऊंगी। तुम बस उल्लू बनाओ, लंच मैं बना रहा हूँ। अच्छा? You see, I've thought about, मेथी का सीजन है तो मेथी पनीर होना चाहिए। स्पेशली जम्मू से मंगवाए मैंने। मैं राजमा बहुत अच्छे बनाता हूँ, तो मेथी पनीर और राजमा के साथ अमेजिंग पराठे, that's our lunch। अच्छा हाँ, मेथी पनीर खा रहे हैं तो डिनर में तो फिर इडली सांभर ही खा रहे होंगे। Absolutely। तुम्हें कैसे मालूम? वो क्या है ना, जो हमारा कैबिनेट है ना, में जो रेडी टू ईट पैकेट्स थे, अब उसमें से मेथी पनीर और राजमा तो अगर हम लंच में यूज कर लेंगे तो डिनर में तो इडली सांभर ही खा पाएंगे ना। जब झूठ बोलना आता ही नहीं है तो क्यों बोलते हो? तुमसे ना तुम्हारा गुस्सा, खुशी, गम कुछ नहीं छुपता है, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता है। बे यार, मुझे लगता है इस घर के वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा पास आ ही नहीं पा रहा हूं मैं। हेलो, या आई एम अवेलेबल। ओके, या या श्योर, टुडे इज फाइन, थैंक यू। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों? I've got a job interview। HR का कॉल था, कोई एक नई कंपनी है, आर्किक फार्म, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको रेडिएशन से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए वो लोग एक ड्रग बना रहे हैं। ये कौन सी कंपनी बोली तुमने? आर्किक फार्म। Never heard of it। न्यू कंपनी है, अभी सेटअप कर रहे हैं तो मे बी इसलिए। यार मुझे ना बड़ी निकम्मो वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे के बिना इंसान अमीर या गरीब हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। अब तुम ये बोल ही रही हो तो can I confess? बताओ। कल रात ना गर्मी की वजह से मैं अच्छी तरह सो नहीं पाया। एसी नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, वो मेरे साथ जो लेटी हुई थी ना, मेरी बीवी, बहुत हॉट है। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। इधर आ। What's up, मेरे प्रेम के पंछी? यार कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। तेरी पैदा होने से आज तक की टाइमिंग खराब ही रही है। लेकिन आज की टाइमिंग एकदम सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आया हूँ। बोल दे, मारी हुई है। बादम बामुलाहिजा होशियार, द मदर ऑफ मदर्स, नून खानदान का ग्लू, अपने बच्चों पर तेज नजर रखने वाली पापा के आंखों का तारा, द वन एंड ओनली ममता नूनिया कुछ ही देर में पधार रही है। मामा रही है? हेलो, उन्हें बताना मत कि मैंने आपको बता दिया कि मामा यहाँ आ रही है, ठीक है? उनको आपको सरप्राइज देना था। पापा ने आने दिया? मुझे भी नहीं पता कैसे, बट गुड न्यूज मिली तो सोचा आपको आके बता दूं। तो स्कूल में क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए तूने स्कूल बंक कर लिया? किचन में कुछ दाग है। व्हाट इज दिस? मैं आपका पर्सनल क्लीनर हूँ। हाँ, ये आरके एक फार्मा कौन है? पापा जी, मुझे लगा शायद ऋषभ भाई ने आपको बता दिया होगा उसके बारे में सब। तुम लोग मुझे बिना बताए डील्स करने लगोगे? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ पापा जी। वो एक्चुअली मैंने एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में बस अभी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले, बट एग्जैक्ट डिटेल्स तो ऋषभ भाई के पास ही है। उसे कहो कि मुझसे आकर मिले, मुझे सारे डिटेल्स चाहिए अभी। और तुम यहाँ खड़े गेम खेल रहे हो क्या? Get out! पापा जी, मैं जानता हूँ कि आप इस डील को लेकर टेंशन में नहीं है। आप टेंशन में इसलिए है क्योंकि मम्मी जी ऋत्विक से मिलने जा रही है, राइट? पापा जी, आई एम रियली सॉरी, बट आपसे एक बात कहूँ, आप और रिक्की ना अपने दिल की बातें ना बिल्कुल छुपा नहीं पाते। पापा जी, मैं जानता हूँ कि आप उसके बारे में जानना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग दोनों प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए ना, आप दोनों का दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। पापा जी, ट्रस्ट मी, इट विल रियली हेल्प। डैड, आप रिक्की से बाद में भी मिलकर बात कर सकते हैं। वो आर्किक फार्मा और प्योर लाइफ वाले हमसे कुछ डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हैं। घर पे इतना टेंशन चल रहा था इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, बट वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट। अमन, वो आर्किक फार्मा वाले अपने कोई एग्जीक्यूटिव को भेजना चाहते थे। दे वांट टू लॉन्च अ न्यू कैंसर मेडिसिन। कैन यू फाइंड आउट हु इज कमिंग? ऑफ कोर्स, आई विल सी यू पापा जी। डैड, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यार ऋषभ, घर पर हो? हाँ,
तो तुम्हें पता नहीं है कि आज मॉम ऋत्विक से मिलने जा रही है। What? No, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। सॉरी थी तुम कि पार्लर गई थी। ऋषभ ये कैसी बातें कर रहे हो यार? एक बात कान खोलकर सुन लो सांची, मेरे किए के लिए आगे जाके शायद डैड मुझे माफ भी कर दें, लेकिन जो तुमने किया है ना उसके लिए डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ओके यू जस्ट कम डाउन, मैं देख के मॉम कहाँ है। ओके मैं रोकती हूँ रिकी से मिलने के लिए। ओके बाय। दादी दादी मॉम कहाँ है? वो अभी भी निकली है ऋत्विक के घर जाने को। क्यों? कुछ नहीं। कब तक आएंगी मॉम? फोन करके पूछ सकते हैं। तुम अपनी इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हो ना? हाँ थोड़ा लेट हो रहा है। तुम जाओ, स्ट्रेस मत लो। नहीं अभी फर्स्ट टाइम आ रही है, कांट गो, अच्छा नहीं लगेगा ना उन्हें। अरे मेरी मॉम है, मुगैम्बो नहीं है। मैंने कॉल की थी, फोन नहीं उठा रही है, ट्रैफिक में फंस गई होंगी। चलो जाओ। आर यू श्योर? अरे हाँ बाबा पक्का, शी विल बी प्राउड। जब वो आए तो मुझे कॉल करना। ओके क्या है? गुड लक नहीं चाहिए? चाहिए। हाय मैं चाहूं? मेरा गुड लक कौन, तुम्हारे डैडी देने आएंगे? डैडी से ले लो। जल्दी आ जाना। So sorry. Excuse me. Oh, that's great news. Hello, mom, kahan ho aap? मैं बस ऋत्विक के घर के पास हूँ। आप ही के पास आ रही? हाँ तो ऋत्विक के घर मिल लो ना मुझे। नहीं नहीं मॉम आप वहीं रुकिए, मैं वहाँ आ जाती हूँ। अच्छा अच्छा ओके रुकती हूँ। मैं यहाँ लिखा हुआ है शांति निकेतन। मैं आ रही हूँ। ओके। अरे नहीं यार मैं नहीं आ सकता, मॉम आ रही है मिलने इसलिए। हाँ अरे सुन आई विल कॉल यू बैक यार, पलक अपना फोन यहीं छोड़ गई। बाय बाय बाय। यार ये लड़कियां भी ना। आप रिकी से मिली? मैं वहीं जा रही थी। तुम आओ, तुम भी साथ चलो। नहीं नहीं मॉम वो क्या है ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या हो बेटा? मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। गो टू द डॉक्टर एंड गेट दिस चेक एंड कंफर्म्ड। पर ऋत्विक के यहाँ चले चले? नहीं मॉम अभी चले क्या? बहुत तबीयत खराब हो रही है, सांस सांस फूला जा रहा मेरा। फर्स्ट टाइम है ना मॉम, सो आई थिंक सबसे पहले तो तुम रिलैक्स करो, दिस इज नॉट गुड फॉर द बेबी। ओके रिकी के घर पर कल आ जाऊंगी। चलो तुम्हारे साथ चलते हैं डॉक्टर के पास। आरोहित रिकी मिले पलक? नहीं यार बहुत भीड़ है यहाँ पे, आई थिंक वो चली गई। वैसे भी मॉम आ रही है अभी, तो आई वांट टू फोकस ऑन दैट। ठीक है जी। अभी सर को 15 मिनट और लगेंगे, तब तक आप ऑफिस रूम में वेट कीजिए। आइए मैं रूम दिखा देता हूँ, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू।
पानी भी नहीं है यहाँ पे, इतना टाइम हो गया है, खुद ही ले आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm so sorry. I don't appreciate interferences. वो actually वो आवाज़ आई तो I got just pulled. I'm really sorry. I didn't mean to. It's okay. मैं विक्रांत रहेज और आप पलक शर्मा. हाँ, sorry. Now it's पलक नून. आइए. चाय मैडम. थैंक यू. मैंने आपका रिज्यूमे पढ़ लिया है और सारे रेफरेंसेस भी चेक कर लिए. यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, बट अनफॉर्चुनेटली जिस पोस्ट के लिए हम आपको हायर करना चाहते थे वो पोस्ट फिल हो चुकी है. आई एम सॉरी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इट्स माई बॉसेस कॉल. इट्स ओके एक्चुअली, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बट इट्स ओके. मैं आपको कुछ और ऑफर कर सकता हूँ, बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, सेम पोजिशन पर नहीं होगा. आई मीन ट्रेनी लेवल का काम है, इफ इट इज़ फाइन विद यू. एक ट्रेनी का काम है इसलिए सैलरी भी उसी हिसाब से होगी, अराउंड 15,000. दैट्स टू लेस, आई हैव वर्क्ड फॉर बेटर. आई नो, बट इस वक्त तो मैं आपको यही ऑफर कर सकता हूँ, और आगे अगर कोई पोस्ट वैकेंट होगी तो हम आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे. ओके फाइन, आई विल टेक दिस. गुड, तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं. सात्विक जी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट भेजना था वो पहुंच गया? नहीं जी, आपके सामने है. टेक दिस, ये बस आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको मैसेज में भेज दी जाएंगी. ओके, एक्चुअली शायद मैं अपना फोन घर पे भूल गई हूँ, तो आप प्लीज मैसेज करवा दीजिए डिटेल्स, मैं कर दूंगी. इट्स ओके, आप बस क्लाइंट के साथ टाइम फिक्स कर लीजिए और ये फाइल उन तक पहुंचा दीजिए. श्योर सर, थैंक यू. अगर आज ये उस कमरे में चली जाती तो सब खत्म हो जाता. It was a false alarm. आप प्रेग्नेंट नहीं है. Really? Nothing to worry about, I presume. No. Stress की वजह से कभी कभी साइकिल डिले होता है. So don't worry about it. Thank you, doctor. थैंक यू. ऐसा करते हैं, हम दोनों चलते हैं रिकी के घर, ठीक है? नहीं मॉम, आप जाइए ना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. क्यों मॉम? वो मैं और ऋषभ बहुत पहले से वी हैव बीन प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, रखते हूँ. डॉक्टर ने कहा कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट. बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सीरियसली. ओके, लेट्स डू वन थिंग, तुम और मैं बाहर चलते हैं. Let's have coffee together. Spa चलें, relax हो जाओगी. Come. लेकिन mom, हाँ, mom, आप तो रिकी से मिलने वाली है ना? हाँ, रिकी से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज्यादा जरूरत है. हम साथ चलते हैं. I'll go to his house tomorrow. Cheer up, come.
मैंने मॉम को आज तो रोक लिया पर कल आओ बेटा या मॉम कमें ओए फोन चेक कर रही हो मेरा क्यों सीक्रेट्स हैं उसमें हो सकते हैं really yes by the way I have a good news I got the job congratulations अच्छा मतलब छोड़ो ये बताओ मॉम आई थी क्या कहा उन्होंने मॉम नहीं आई उनकी तबीयत खराब हो गई थी अभी तबीयत ठीक है उनकी हाँ हाँ she's gonna be fine वो कल मिलेंगी ना मुझे सुनो तुम्हें जॉब मिल गई तुम्हें कितने जॉब दी मुझे लगा मैं ही बेवकूफ हूँ सिर्फ अब सेलिब्रेट करते हैं लेट मी टेक यू आउट लेकिन चीप एंड बेस्ट जगह पे जाना पड़ेगा अब वो दिन चले गए ना मैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में जाता था वैसे भी जिन एक्सपेंसिव जगह पे तुम जाते थे उबलो या मटक लाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाते थे तो आज हम चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली का जायका बताते हैं तुम्हें चलो चलो हमारे साथ चलो मैं तैयार रख गया था चल मॉम क्यों नहीं आई फाइल टू बी डिलीवर्ड टू क्लाइंट ऋषभ नून MD Noon Biotech Limited. Thank you so much, Mom. You done such a good job. आज तुमने मॉम को रिकी से मिलने नहीं दिया. I'm so proud of you. This calls for a celebration. Let me take you out for dinner. What's it? But before we go out for dinner, I have to make one small call. अमन वो आरके फार्मा से जो एग्जीक्यूटिव आने वाले थे उसके बारे में कुछ पता चला मुझे नहीं पता अभी कंफर्म नहीं हुआ है बट भाई डिटेल्स ना आपके फोन पर आ जाएंगे ऑलराइट थैंक्स फाइल डिलीवर करने पलक नून आएगी पलक क्या हुआ आरके फार्मा के साथ हम एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं दे वांट टू लॉन्च अ न्यू कैंसर मेडिसिन इन इंडिया और उनका एक एग्जीक्यूटिव कल हमसे मिलने आ रहा है यू नो हु दैट एग्जीक्यूटिव इज पलक पलक नून वो कल आ रही है मुझसे मिलने के लिए व्हाट उस लड़की पलक ने उनकी कंपनी ज्वाइन की है यू आर सो राइट यार ये लड़की कितनी चालाक है कैसे ये हमारी फैमिली में हमारे बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रही है I can't believe this. पहले उसने इतना तमाशा किया और अब पता नहीं आगे क्या करेगी ये लड़की। वो तो कल ही पता चलेगा कि उसका क्या होगा। Do you have any plan for this? बताता हूँ। मुझे ऋषभ नून को डॉकर डिलीवर करने जाना है। I can't do this. I can't. ऋत्विक ऋत्विक कितना टाइम लगेगा सो सॉरी ये लॉक नहीं था हर लड़की ने यही कहा है मुझे आज तक वैसे मैं तुमसे बात करने आई थी कुछ इम्पोर्टेंट चलो बात करें नहीं वहां नहीं यहाँ This is not happening. Don't you dare, okay? यार प्लीज मत करो यार मैं गीली हो जाऊंगी देखो मुझे पूरा सूखना पड़ेगा मेरे बाल सूखने पड़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा यार लेट हो जाएंगे क्यों कर रहे हो मेरी वजह से नहीं होंगे ना फिर तुम कितने चालाक हो
तुम्हारी वजह से हमारे घर में पहले इतना तमाशा हो चुका है और फिर तुम यहाँ आ गई। तुम ऐसा करो, बाहर कहीं वेट करो और ऋषभ जैसे ही फ्री होगा ही विल कॉल यू।